हे गाइस, बैक टू बैक MIUI 11 का EU अपडेट आ गया है जो कि स्टेबल बिल्ड है। जी हाँ, जैसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ और इसमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है इस स्टेबल बिल्ड के अंदर, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसके जस्ट पहले मैंने आपको ऑफिशियल MIUI 11 स्टेबल बिल्ड का डिटेल दिया था, जिसे आप OT अपडेट कर सकते हो और साथ ही साथ आप उसे चाहो तो टीग्राफिक से भी फ्लैश कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी रिव्यू प्रोवाइड कर दिया, इंस्टॉलेशन मेथड भी दिया है, तो सेम इंस्टॉलेशन मेथड इसके ऊपर है जो काम करेगा। और आप वॉच करना चाहते हो जरूर वॉच कर लेना, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको EUROM यूज करना है या MIROM यूज करना है या फिर आपका ऑफिशियल MIUI 11 का स्टेबल बिल्ड यूज करना है। तो आप जब तक वीडियो वॉच नहीं कर पाओगे, आप अच्छा सा डिसीजन नहीं ले पाओगे कि आप ये परफेक्ट कौन सा है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में हर एक डिटेल आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं इसके MIUI के वर्जन के ऊपर, तो आप देखोगे MIUI by Xiaomi EU 11.0.5 स्टेबल बिल्ड है, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 9 पे आता है, क्योंकि जो ऑफिशियल आया है स्टेबल बिल्ड OT अपडेट का, वो अभी हमारा 9 पे है। यहाँ पे सिक्योरिटी पैच 2019.10.1 का देखने को मिलता है, और ऑफिशियल वाले में भी आपको लेटेस्ट ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। MIUI 11 के सारे फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें मिसिंग थी हमारे MIUI 11 के ऑफिशियल अपडेट में, जो कि ग्लोबल अपडेट था, लेकिन यहाँ पे वो चीजें दी गई है। जैसे अगर आप आते हो लॉक स्क्रीन पे, तो ये सारे फीचर्स जो कि पहले हमें मिलते हुए आए हैं, वो सारे फीचर्स अभी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको डार्क थीम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, रीडिंग मोड वगैरह मिल जाती है, नॉच से रिलेटेड आपको बिहेवियर मिल जाता है, जैसे कि हाइड नॉच वगैरह का ऑप्शन, यहाँ पे LTE 4G इनकमिंग नोटिफिकेशन, बैटरी परसेंटेज कोलैप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, लॉक स्क्रीन और फुल स्क्रीन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिलता है। साउंड क्यों आते हैं, यहाँ पे एक नया कुरियर का ऑप्शन था पहले वाले बीटा के EU में और MIROM में, बट यहाँ पे ये फीचर्स यहाँ पे हटाया गया है, जबकि हमें ऑफिशियली OT अपडेट जो हमें मिला था उसमें भी हमें देखने को नहीं मिला था। आई क्यों चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम साउंड की ओर आते हैं, तो साउंड में आपको मिल जाता है वीडियो प्रोफाइल का ऑप्शन, जो कि ऑफिशियल ग्लोबल अपडेट में हमें देखने को नहीं मिलता है, बट EU के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके होम स्क्रीन पे ही काम करता है और लॉक स्क्रीन पे, यानी वीडियो इनकमिंग के टाइम काम नहीं करता है, कॉलिंग के टाइम आपका वीडियो प्रोफाइल काम नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के रोम्स में ही हमें देखने को मिला था। आई क्यों आते हैं, तो नोटिफिकेशन फोल्डर सेम टू सेम आपको मिल जाता है, एक्सपेंड नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। होम स्क्रीन में यहाँ पे पोको लॉन्चर को यूज किया गया है, जबकि इसके पहले जितने भी EU के अपडेट आए हैं या फिर MIROM के अपडेट आए हैं ऑफिशियली, उन सभी में हमें जो डिफॉल्ट MIUI का लॉन्चर देखने को मिला था, बट इस EU के स्टेबल अपडेट में आपको पोको का लॉन्चर एज अ डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पे आते हैं वॉलपेपर थीम्स वगैरह वर्किंग है, मैं आगे आपको शो कर दूंगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी रिस्पॉन्स आपको बेटर मिलता है, और यहाँ पे आपका फेस अनलॉकिंग भी वर्किंग है, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। ऐप्स के अंदर आते हैं तो सबके ऊपर आइकन मिल जाता है, जो कि ऑफिशियली हमें नहीं मिलता है, बट EU और MIROM की ओर से मिल जाता है। एडिशनल के अंदर भी आपको सब पे आइकन मिल जाते हैं, जो कि ऑफिशियली हमें नहीं मिलता है। आइकन के साथ कलर भी मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। क्विक बॉल वगैरह सब कुछ आपको वर्किंग मिल जाता है। ईयरफोन वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। यहाँ पे आपको मिला है स्क्रीन ऑन टाइमिंग, जो कि डिजिटल वेलविंग का ही रूप है MIUI के रूप से, लेकिन ऑफिशियल जो OT अपडेट आया है उसमें हमें डिजिटल वेलविंग देखने को मिलता है, स्क्रीन ऑन टाइमिंग हटा दिया गया है। तो मे बी जल्द ही इसमें भी आपको जो इन फ्यूचर डिजिटल वेलविंग ही देखने को मिलेगा, स्क्रीन टाइमिंग हटा दिया जाएगा। स्पेशल फीचर्स में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे MI लाइव, सेकंड स्पेस की रिप्लाई और गेम टर्बो। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं सब कुछ पहले वाले ही मिलती है, कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आते हैं तो ये भी चीज आपको सेम टू सेम मिल जाती है, जैसे कि हमें पहले मिला था। कैमरे को अगर हम स्विच करते हैं तो कैमरा भी हमें ओल्ड वाला ही देखने को मिलता है, कुछ भी नया फीचर्स कुछ भी नई चीजें यहाँ पे ऐड नहीं की गई है, जैसा कि हमारे 7 प्रो K20 प्रो ये सारे में ऐड किया गया था, कुछ थोड़ी बहुत चीजें जैसे कि टिकटॉक वगैरह की चीजें ऐड की गई थी, बट यहाँ पे सेम टू सेम रखा गया है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। जियो से आप वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, और डायल पैड आपको इस स्टेबल का सेम पहले जैसा ही मिलता है, जो कि EU के अपडेट्स में मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे इसका मिनट जो लार्ज किया गया है, जो कि MIUI 10 पे हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है। सिक्योरिटी ऐप हमें बिल्कुल ही लेटेस्ट मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही नया है, MIUI 11 का है, जबकि ऑफिशियल जो ग्लोबल अपडेट आया है बाई OTA है, उनमें हमें MIUI 10 का ही सिक्योरिटी ऐप देखने को मिलता है। और साथ ही साथ वहाँ पे अल्ट्रा बैटरी सेविंग भी नहीं दी गई है, जबकि हमें यहाँ पे EU के थ्रू अल्ट्रा बैटरी सेविंग भी दिया गया है, तो ये काफी अच्छी चीजें हमें मिल जाती है।
ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर भी यहाँ पे दिया गया है, जबकि ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर ऑफिशियल ओटी अपडेट में हमें देखने को नहीं मिला था। मैनेजर वगैरह सब कुछ आपको पहले वाला ही मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैलकुलेटर वगैरह भी आपको लेटेस्ट ही मिलता है। अगर आप वेदर की ओर आते हैं तो वेदर भी आपको MIUI 11 का मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आते हो कैलेंडर की ओर तो कैलेंडर भी आपको MIUI 11 का देखने को मिलता है, जबकि ऑफिशियल ग्लोबल ओटी अपडेट के MIUI 11 पे हमें ओल्ड वाला कैलेंडर देखने को मिलता है। और फाइल मैनेजर भी हमें ओल्ड वाली ही दिखाई देती है ऑफिशियल वाले में, जबकि यू में हमें लेटेस्ट MIUI 11 का ही फाइल मैनेजर देखने को मिल जाता है। तो कई सारी चीजें यहाँ पे बदल दी गई है, जो कि ग्लोबल में कुछ अलग है, यू में कुछ अलग है, चाइना में कुछ अलग है, ऐसा हमें चेंजिंग देखने को मिलता है। रही बात यहाँ पे अनटूटू के स्कोर की, तो भाई अनटूटू का स्कोर काफी अच्छा मिला है, जो कि 296896 का स्कोर है, जो कि काफी कमाल का है, जिसपे आप जो पबजी वगैरह आराम से मजे लेके खेल सकते हो, बिल्कुल ही स्मूथ मक्खन की तरह काम करेगा, तो पबजी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आई की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको थीम का सपोर्ट मिलता है, जो कि लेटेस्ट थीम आपको प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे टोटल 5 थीम दिए गए हैं, एक पोको का है, क्लासिक है, यहाँ पे ये लिमिटलेस और डिफॉल्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और MIUI 11 का भी थीम सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो वीडियो प्रोफाइल का ऑप्शन था वो हटा दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही हमें देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे इसका आप पोको लॉन्चर डिफॉल्ट एज अ सेट करते हो, तो आप अगर सेटिंग के अंदर इंक्लूड करोगे तो सेटिंग के जो आइकन हमें चेंज मिलते हैं कलरफुल, वो बदल जाते हैं पोको के थीम के वजह से। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे जो नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं उसमें आपको MIUI 11 के आइकन दिखाई देते हैं, और बाकी जितने भी सब पोको वाले ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे थीम आप अदर यूज करोगे तो फुल मजा आएगा MIUI 11 का, अदरवाइज लगेगा कि कुछ और सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे स्टेप काउंटर्स वगैरह देखने को नहीं मिला है हमारे ईयू में भी, जो कि अक्सर हमें मिलता था। तो इतनी छोटी चीजें दी गई है, कैलेंडर का इवेंट है, क्लीनर है, और यहाँ पे इस तरीके से ये होता है, और यहाँ पे एक्सपेंड भी नहीं होता है, जबकि हमारे ईयू में और MIUI में ये एक्सपेंड होता था, बट इस पे आपको एक्सपेंड देखने को नहीं मिलता है इस ईयू के अंदर। और अगर हम DRM इन्फो की बात करें, यानी L1 के सपोर्ट की, तो आपको L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है EU की ओर से, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वगैरह यूज करते हो तो आपको फुल HD कंटेंट देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है। परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलती है, और स्टैंड बाय बैटरी का सिर्फ आपको 2% की ड्रेनिंग देखने को मिलेगी 4G के नेटवर्क पे, तो स्टैंड बाय भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे की स्टाइल की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रे स्केल का ऑप्शन, नियर का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ साथ यहाँ पे अल्ट्रा सेविंग का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से डार्क थीम अप्लाई कर लो, या फिर आप अल्ट्रा सेविंग यूज कर लो, जो भी आप यूज करना चाहते हो यहाँ पे कर पाओगे टॉगल के हिसाब से ही, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको अंदर सेटिंग के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप वॉच कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फो अच्छी लगी है, तो आप मुझे बताना कि आप ऑफिशियल OTA अपडेट वाला MIUI 11 यूज करना पसंद करोगे, या फिर EU पसंद करना करोगे, या फिर MIUI रूम, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, शेयर करना, ताकि मैं भी पता कर पाऊं कि आपका ओपिनियन क्या है, आपको कौन सा पसंद आया है, ऑफिशियल ग्लोबल वाला या फिर आपको EU का या फिर MIUI रूम का, तो बताना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।